दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई और कटिंग नहीं आती है तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से एक ट्राउजर की पूरी कटिंग और सिलाई करना सिखाऊंगा। अगर आप बिगनर हैं, आपको सिलाई मशीन भी चलानी नहीं आती है, तो मैं आपको साथ साथ में कुछ टिप्स भी शेयर करता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक सिलाई करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम टूल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक कैंची, जो कि मेरे पास पहले से ही है, कैंची, इंची टेप, एक सेप पट्टी और एक चोक। इसके बाद अगर हम कपड़े की बात करें ट्राउजर को बनाने के लिए, तो हमने 1.25 मीटर कपड़ा ले रखा है, जो कि हेल्दी के लिए काफ़ी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ट्राउजर की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा के रख लेना होगा। बिछाने के बाद फिर इसके बाद हमें इसके ऊपर निशान लगाने होते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले कपड़े को बिछाकर आपके सामने रखकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे। अगर आपका कपड़ा टेढ़ा हो मेढ़ा हो, ऊपर से आप इसको ऊपर से अच्छे से पहले सेट कर लीजिए। तो यहाँ से मेरा कपड़ा ये ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से इस तरीके से हमारी कन जैसी बनी हुई है, तो जिससे कि हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है। तो पहले हम इसको यहाँ से कपड़े को एक्सार कर लेते हैं। तो यहाँ से ऊपर की हमने एक लाइन स्ट्रेट कर दी है, इंची टेप रख लेते हैं। फिर आपको जितना भी गैदर डालना है, जितना चौड़ा, आप उसके अकॉर्डिंग निशान लगाते सकते हो। तो इसमें ज़्यादा चौड़ा नहीं डालूंगा, तो इसलिए मैं इसको 1.5 इंच नीचे एक लाइन कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा चौड़ा गैदर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो नीचे वाली लाइन से जितने भी हमें लंबाई रखनी है, इंची टेप को इस तरीके से सीधा आपको रखना है। तो ये अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। तो मुझे इसकी लंबाई चाहिए 33.5। मैं 33.5 पे इसको इस तरीके से निशान लगा देता हूँ। 33.5 पे इसको हम इस वाली लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद, और जितना भी आप इसको फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे, तो इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा, पहले तो 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें पिंटेक्स डालूंगा। तो 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए कर दिया, क्योंकि 2 इंच का हमारा पिंटेक्स आ जाएगा, तो इसमें हमारी लेंथ अपने आप छोटी हो जाएगी। तो मैं इसमें ही प्लस कर देता हूँ, तो 4 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कपड़ा, जिसमें से 2 इंच मेरा फोल्ड में चला जाएगा और 2 इंच की मेरी इसमें पिंटेक्स हो जाएगी। फिर अब हम लगाते हैं इसकी कमर का निशान। तो इस तरीके से इंची टेप को यहाँ से ऊपर के रख लेंगे। ऊपर की साइड रखने के बाद यहाँ से मैं रखूंगा 13 इंच। तो 13 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगा देंगे, और आसन में इसका रखूंगा 14 इंच। तो 14 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। ऊपर हमने रखा था 13 इंच, तो नीचे भी हम रखेंगे 13 इंच। 13 इंच के बाद इसको इस तरीके से हम सीधा स्ट्रेट कर देंगे। लाइन को स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से हम इंची टेप को रखते हुए 1.5 इंच आगे एक लाइन करेंगे, और इसको इस तरीके से हम थोड़ा शेप दे देंगे। अब हम ले लेंगे शेप पट्टी। शेप पट्टी से पहले सबसे पहले हम मोरी का निशान लगा देते हैं, जितनी भी हमें इसकी मोरी रखनी है। तो मैं इसकी मोरी रखनी है, मुझे थोड़ा लूज ही रखूंगा, तो मैं इस पर लगा देता हूँ 11 पे निशान। तो 11 पे जब मैंने निशान लगा दिया है, इस तरीके से हम इसको शेप पट्टी को ऊपर से सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर इसको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल शेप पट्टी से आप देख सकते हो हमारा कितना अच्छा निशान लग चुका है। अब इसमें जो हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो मार्जिन में इसमें ज्यादा ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये है, तो मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देता हूँ। तो 1.5 इंच का मैंने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको कट करके अलग कर लेते। तो ये हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसको इस तरीके से हम हटा देंगे। हटाने के बाद जहाँ जहाँ हमें फोल्ड करना है, वहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा देते हैं, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि हमें कहाँ कहाँ फोल्ड करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसके दोनों जो ये आसन आप देख रहे हैं, इन आसनों पे हम आसनों को जोड़ के हम इसको स्टिच कर लेते हैं, दोनों आसनों को ज्वाइन करके। तो मैंने इसका आसन जोड़ लिया है, दोनों हमारा आसन जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब हम इसकी मोरी में, मैं इसमें एक मोरी में डिज़ाइन डालने वाला हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो आपको मैं, तो मैंने 5-4 ले लिया है मोरी, जो है हमारी मोरी। तो इस मोरी को हम अच्छे से पहले इस तरीके से रख लेते हैं। रखने के बाद ये हमारी लंबाई है, तो लंबाई के नीचे जो मैंने कटआउट, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कट लगा रखे हैं, तो इसके नीचे फिर मैं इंची टेप लेके 1-1 इंच नीचे कट लगा दूंगा, 1-1 इंच, क्योंकि मैंने 2 इंच इसको एक्स्ट्रा रखा है। तो 2 इंच में इसमें हमें पिंटेक्स डालने हैं, तो अब हम डालते हैं इसमें पिंटेक्स। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कपड़े का। ये हमारा पौंचा जो है, ये उल्टा पौंचा है हमारा। तो इस तरीके से हमें उल्टे पौंचे को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें पिंटेक्स। और इसमें जो हम पिंटेक्स डालेंगे, वो डालेंगे तकरीबन हम 1-1 पैर का। ये हमने पहला पिंटेक्स डाल लिया है, ये हमारा पहला वाला पिंटेक्स आ गया है। अब हम डालते हैं दूसरा। तो दूसरा भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद 1 इंच का गैप रखते हुए दूसरा पिंटेक्स डाल लेते हैं। तो
ये हमारे दो पिनटेक्स हो चुके हैं। दो पिनटेक्स के बाद हम इसमें एक पिनटेक्स और डालते हैं लास्ट के बाद में हम एक लेस का यूज करेंगे। तो जैसे कि हमने दो पिनटेक्स डाले हैं, एक पिनटेक्स इसमें और डाल लेते हैं, तकरीबन एक इंच के निशान लगा लगा के आप इसको पिनटेक्स को डाल सकते हो एक पैर का। तो मैंने इसमें तीन पिनटेक्स डाल दी हैं। तीन पिनटेक्स डालने के बाद तकरीबन मैं इसको एक एक इंच करीब मैं इसको फोल्ड कर दूंगा, एक से आधा इंच में इसको फोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि हमने तीनों पिनटेक्स डाल लिए हैं। तीनों पिनटेक्स डालने के बाद अब हमने इसको नीचे फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा फोल्ड भी हो चुका है नीचे। और तीन पिनटेक्स डालने के बाद मैंने इस तरीके की एक लेस ली है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये लेस ली है मैंने तकरीबन 2 मीटर ये वाली लेस ली है, क्योंकि 2 मीटर ये हमारी आराम से लग जाएगी। एक प्यारा सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करता हूँ। जो ये मैंने पिनटेक्स डाल रखे हैं, इन पिनटेक्स के बीच में मैं इस तरीके से मैं इसको लेस को रख के अटैच कर लूँगा। अगर आप चाहो तो इसको ऊपर से भी लगा सकते हो, चाहो तो नीचे से भी, लेकिन मैं इन पिनटेक्स के बीच में इसको अटैच कर रहा हूँ। अच्छे से मैं इसको सेट करता हुआ इन पिनटेक्स के बीच में इस लेस को लगा ले रहा हूँ। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जैसे कि हमने इस वाले पिनटेक्स में डाला था, अब दूसरे वाले पिनटेक्स के बीच में भी इसको हम इस तरीके से ही अटैच कर देंगे, जिससे कि एक प्यारा सा हमारा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हमारा बन पाएगा। तो इसको अच्छे से हम पहले सेट करते लगा लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पिनटेक्स डालने के बाद लेस जो है पिनटेक्स के बीच में जो हमारा गैप बचा था उसमें मैंने लेस को ज्वाइन कर दिया है। प्यारा सा डिज़ाइन बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मैंने ऊपर भी इसको जो मेरा गैदर की नहीं था वो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, आसन भी कर लिया है मैंने ज्वाइंट। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग की निशान लगा लेते हैं। फिटिंग का निशान लगाने के बाद ये हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। इसको रेडी होने के बाद हम इसको आराम से पहन सकते हो। तो हम फिटिंग का पूरा निशान लगा के मैं इसको आपको कंप्लीट दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा पजामा बिल्कुल रेडी है। आप इसमें डिज़ाइन देख सकते हो, मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ। इसमें जो हमने पिनटेक्स और लेस का डिज़ाइन करके एक प्यारा सा हमने सिंपल सा डिज़ाइन मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, जैसे कि आप देख सकते हो सिंपल कटिंग है और सिंपल ही मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।